नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। टीटवाना शहर में सफाई कर्मचारी यूनियन के द्वारा एक ज्ञापन नगर परिषद आयुक्त जबर सिंह को सौंपा गया। ये ज्ञापन नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों के साथ जातिगत भेदभाव के मामले को लेकर सौंपा गया। दिए गए ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि जो कर्मचारी के साथ भेदभाव किया जा रहा है उसको खत्म किया जाए और सभी को एक समान रखा जाए। ज्ञापन में बताया कि नगर परिषद डीडवाना में सफाई कर्मचारियों के द्वारा जातिगत भेदभाव को लेकर ये ज्ञापन है। नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों के साथ जातिगत भेदभाव के मामले में संज्ञान लेने की मांग इस ज्ञापन के माध्यम से की गई और कहा गया कि सफाई कर्मचारी जो गैर वाल्मीकि समाज के लगे हुए हैं उनको उनके मूल सफाई के कार्य पर लगाया जाए। वह ऑफिस में बाबूगिरी कर रहे हैं, उनका काम जातिगत पिछड़ा हुआ समाज कर रहा है। वहीं सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष तनवीर कुमार वाल्मीकि ने बताया कि जयपुर के द्वारा निकायों में काम साफ सफाई के कार्य संपादन करने के क्रम में एक आदेश जारी किया गया है, लेकिन उस आदेश की भी डीडवाना नगर परिषद अवहेलना कर रहा है। देखिए, 2018 सफाई कर्मचारी भर्ती हुई थी, उसमें गैर वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं अब तक वह मूल कार्य उनका सफाई कार्य है जो नहीं कर रहे हैं और ऑफिसों में बाबूगिरी कर रहे हैं। कुछ साथी यहाँ नगर परिषद में हैं, कुछ कलेक्ट्रेट में, कुछ SDM ऑफिस में, तो इसलिए हम सभी सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर माननीय आयुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा है और उन्हें उनके मूल सफाई कार्य पर भेजा जाए, क्योंकि यह वाल्मीकि समाज के लोग जो लगे हुए हैं वही केवल सफाई का काम कर रहे हैं। वाल्मीकि समाज के साथ साथ अगर जैसे गांचा समाज के जो भी सफाई कर्मचारी वो भी सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन ये गैर जो भी लगे हैं वो आज तक कोई भी सफाई कार्य नहीं किया है।